हाय फ्रेंड्स, एनएसटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है उसमें आपको जो भी हमने परचेस एंट्री किया है और जो भी हमारे जीएसटीआर 2 के अंदर बिल शो हो रहे हैं तो उसके साथ में हम मैच करके टेली के अंदर जो हमारा जीएसटीआर 2 है उसमें हम लोग क्या ऐसा करें कि जिससे हमें पता चले कि कौन बिल आपको जीएसटीआर 2 एम ए शो कर रहा है तो वो हम लोग वहाँ पर से हम इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकें, और जो बिल नहीं शो कर रहा है तो उसमें हम लोग वहाँ पे जो एक फैसिलिटी ऑलरेडी टेली ने पहले बहुत टाइम पहले दिया हुआ था कि आप जीएसटीआर 2 को रिकंसिलेशन कर सकते हो, बट जो जीएसटी में जो कॉन्सेप्ट आने वाला था एक्सेप्ट रिजेक्ट का वो तो अभी तक नहीं आया, बट इसका बेनिफिट ले सकते हो जो टेली ने इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिससे आप जो अपना जीएसटीआर 9 अभी प्रिपेयर कर रहे होगे तो उसमें परचेस का जितना भी एंट्री है तो उसको आपको जीएसटीआर 2 के साथ मैच करना है। कौन सा बिल आप अपने फाइल में से चेक करते होगे तो टेली के अंदर भी एक फैसिलिटी है जिससे मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा जिसमें आप अपने जीएसटीआर 2 के साथ में जो जो बिल आपको वहां पे शो कर रहा है तो उसको आप किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करके रख सकते हो, और जो बिल शो कर रहा है बट नॉट सबमिटेड है तो वो बिल को भी आप किस तरीके से पेंडिंग में रख सकते हो, या फिर जो बिल शो ही नहीं कर रहा तो आपको पता चलेगा कि जो आपने एंट्री की है एक्चुअल में वो जीएसटीआर 2 पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इससे आपको रिकंसिलेशन करने में इजी होगा। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो करना क्या है कि आपको जाना है डिस्प्ले में, स्टेचरी रिपोर्ट, जीएसटीआर 2। अभी मैंने यहाँ पर देखो 3 परचेस की एंट्री की है, ये जो पार्टी है ग्लोबल केयर उससे मैंने परचेस किया, उनका 3 बिल मेरे टेली के अंदर मैंने एंटर किया हुआ, बट अभी टेली में जो मैंने एंट्री की है मैंने जीएसटीआर 2 ये डाउनलोड किया है तो उसमें ये तीनों का तीनों बिल अगर शो कर रहा है कि नहीं, अगर इसमें से 2 बिल शो कर रहा है 1 बिल नहीं कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो एंट्री की है तो उसमें और जीएसटीआर 2 में क्या डिफरेंट है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर वो आपको सबमिटेड दिखा रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सेकेंड बिल है वो भी अगर सबमिटेड दिखा रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और थर्ड बिल अगर आपको वहाँ पे सबमिटेड नहीं दिखा रहा है और शायद नहीं भी अगर वहाँ पे आपको जीएसटी 2 में दिखा ही नहीं रहा है तो आप उसको कुछ मत कीजिए। तो आपको जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं इनवॉइस वाइज अगर चेक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सा एक्सेप्टेड है। अभी जिसमें स्टेटस में कुछ भी नहीं है मीन्स वो बिल मुझे जीएसटीआर 2 में शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और पेंडिंग अगर कोई बिल शो कर रहा है नॉट सबमिटेड है तो उसको आप पेंडिंग में रख सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जो अपना जीएसटीआर 2 के साथ में मैच करना होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको हर बार अपना परचेस फाइल ओपन करके उसमें या फिर एक्सेल के अंदर ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने टेली में से ही अपना जो परचेस रजिस्टर है जो जीएसटीआर 2 के अंदर शो कर रहे हैं वहाँ से उसको इस तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके उसका स्टेटस उसको रिकंसिल करके रख सकते हो, और आपको ईजिली जब भी कोई बिल पेंडिंग है तो उसको आप फॉलोअप कर सकते हो कि कौन सा बिल पेंडिंग है तो उसने क्यों सबमिट नहीं किया है, उसको फॉलोअप कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा सॉल्यूशन है क्योंकि अभी जो जीएसटीआर 9 30 तारीख को उसकी लास्ट डेट है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ प्रिपरेशन करनी है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जीएसटीआर 9 के रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको बना के आपको हेल्प कर सकूँ उस तरीके का मैं वीडियो बनाता हूँ। लास्ट पे भी मैंने 3-4 वीडियो बनाई है जो कि जीएसटीआर 9 के रिलेटेड है, तो आपने नहीं देखे तो उस वीडियो को देख ले, और आप इस वीडियो को आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।